नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा का सेंटर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का रियल फैक्ट जानने के लिए पहुंच रहे हैं लोगों के बीच। बात करते हैं सीधा लोगों से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राम नगीना इंसा जी। डेरा सच्चा सौदा में कब से आ रहे हो? मैं तो बहुत दिनों से आ रहा हूँ, कम से कम 20 बरस हो गया। काफ़ी लंबा समय है। किस तरह का माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ, इस समय लोगों ने अफवाह फैला करके माहौल को गंदा किया, लेकिन फिर भी उस पर कोई डेरे पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, बेटियों को लेकर किस तरह का माहौल है? बेटियों का माहौल तो ये है कि अपने को अब चाहे किसी भी हो, अगर अनाथ हो तो अपनी ही बेटी समझते थे और अब भी समझ रहे हैं। फिर जिन लोगों की पढ़ाई नहीं होती वो अपना पढ़ाई करते थे, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती थी वो अपने पैसे से अपने खर्च से लड़कियों की शादी करते थे। गुरुजी का व्यवहार किस तरह का है? गुरुजी का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, जैसे कि मान लीजिए देखने में भी अच्छा है और कहने में भी अच्छा है, सुनने में भी अच्छा है जी। हाँ, आप लोगों को आज कितना विश्वास है उन पर? हम लोगों को जितना पहले विश्वास था उतना भी आज भी विश्वास है, इसी विश्वास से हम लोग आते जाते हैं। लेकिन उनके बारे में इतना कुछ जो दिखाया गया वो क्या है? वो तो सारा गलत है, ये सारा कुछ गलत है। इसमें कोई ये नहीं है कि सच्चाई है, सच्चाई तो वो होती है कि कहा जाता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती है लाख बुराई करने से, खुशबू आ नहीं सकता है कागज़ के फूलों से। तो सच्चाई तो सच्चाई ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफवाह फैलाने वाले तो बहुत लोग अफवाह फैलाए हैं। क्यों फैलाई गई अफवाह? ये अफवाह फैला दिया गया ये कारोबार देख करके कि नहीं कैसे यहाँ से कैसे ये हो रहा है, लड़कियों पर कैसे ये सच्चाई से अपना कर रहे हैं, यही लेकर के अफवाह फैला दिया गया। आपने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है, हाँ, क्या मतलब है इसका? ये हम लोग सेवादार हम लोग हैं, इसको पहन करके सेवा करते हैं, कहीं भी जाते हैं अपना पहन करके सेवा करते हैं। ये दिखावटी नहीं है, ये जज्बा है मालिक सतगुरुदाता का, इसको हम पहन करके अपना सेवा करते हैं। क्या आपको पैसे दिए जाते हैं? ना, पैसे वाली बात नहीं है, हम अपने तन मन धन से अपने यहाँ से ही अपनी सेवा करते हैं। पैसे वाली सेवा हम लोग नहीं करते हैं, फ्री सेवा करते हैं। समाज के लिए क्या काम किया गुरुजी? समाज के लिए बहुत ही बुराइयों को छुड़वाते हैं हम लोग, जो बुरा करता है उसके लिए जा कर के कहते हैं भाई ये मत करो, कोई नशा पताई करता है उसके नशा के लिए हम लोग छुड़वाते हैं कि ये गंदी चीज़ है, इसको इस नशा को मत करो, ये गुरुजी का वचन है जी। हाँ, क्या आज भी समाज को ज़रूरत है गुरुजी की? ज़रूरत है तभी तो लोग इकट्ठा होकर के आते हैं लोग। हाँ, ज़रूरत तो है ही है, जो जिस राह पर हमको बतलाए हैं चलने के लिए उस राह पर हम चलते हैं, हमको फ़ायदा है कि नहीं। हमारे गुरुजी ये बात बताएं कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, किसी को गलत मत देखना, किसी लाचार का मदद करना, किसी की बहन बेटी का शादी विवाह नहीं हो रहा उसमें शादी विवाह करा देना, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसमें अपना मदद कर देना, लाचार को भूखे को भोजन दे देना, प्यासे को पानी दे देना, यही गुरुजी का कहना था। सरकार से क्या अपील करोगे गुरुजी? सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारे गुरुजी हमारे अच्छा हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कहते हैं वो सच्चाई मानवता की भलाई के लिए जनता की भलाई के लिए ही करते हैं, बुराई के लिए काम नहीं करते हैं, न किए हैं न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा का सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का, जो लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। खुले दिमाग से जरूर सोचिए और अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।